हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वाजिद। आज मैं आपको जो लेलन गाड़ी होती है, जो जनरेटर होता है उसका 24 वोल्ट का स्टार्टर जो है वो किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको उस स्टार्टर की किस तरह से बनाया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, इसको घर पे बनाने की कोशिश ना करें, ये आपके वायरमैन से ही बनाए, ये मेरी विनती है। मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन की घंटी बजाओ। इसी तरह से मैं आपको नए नए वीडियो और नए नए स्टार्टर की मालूमात देता रहूँगा। तो गुड बाय। दोस्तों, इसको मेन कॉइल कहते हैं, ये मेन कॉइल है। ऑक्सिलरी कॉइल जो है वो स्टार्टर को आगे ढकलने का काम करती है, और मेन कॉइल जो है वो स्टार्टर को स्पीड में घुमाने का काम करती है। ये स्टार्टर 24 वोल्ट लेलन का बड़े गाड़ी का स्टार्टर है दोस्तों। दोस्तों, इसको ऑक्सिलरी कॉइल बोलते हैं। दोस्तों, इसको 24 वोल्ट का आर्मीचर कहते हैं। ये आर्मीचर कॉइल में हम पहला फ्री करके लेंगे। देखो, ये कॉइल में जाम है, ये जा रहा नहीं है। इसको पहला हम अच्छी तरह से फ्री करके लेंगे, ये लगना नहीं चाहिए इधर उधर। देखो, जिस तरह से फ्री करना चाहिए उसी तरह से फ्री हो गया है दोस्तों। किधर ही घसना नहीं चाहिए, अगर अच्छी तरह से फ्री हो गया तो वो घसेगा नहीं और जल्दी से हमारा स्टार्टर फेल नहीं होएगा। जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, आर्मीचर की जो पॉइंट रहते हैं एक एक पॉइंट, वो जिस तरह से हमारे दोस्त जो है चला रहे ब्लेड उसी तरह से चला के उसके एक एक पॉइंट अलग करे, वरना स्टार्टर लोड नहीं लेता। उसके अंदर जो है वो तांबा अगर एक दूसरे को चिटका रहेगा तो वो लोड नहीं लेगा। तो खबरदारी ये ले कि उसको अच्छी तरह से गाले साफ करे, एक एक पॉइंट अलग करे। अलग करने से उसकी ताकत अच्छी तरह से बढ़ती है। दोस्तों, इसको सोलनॉइड स्विच कहते हैं। सोलनॉइड स्विच जो है ये स्टार्टर को ऑपरेट करता है, उसको फिराने का, उसको आगे ढकल के स्पीड बढ़ाने का, ये सोलनॉइड स्विच का काम है। लगा उधर सीरीज पे देख, चालू है कह रहा। दोस्तों, इस तरह से हमने जो ऑक्सिलरी कॉइल वगैरह जो जॉइंट की है वो शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। सीरीज पे भी चेक करो, अभी लगाओ, देखो 2 मेन रहते हैं और इसमें 2 अर्थिंग रहते हैं। 24 वोल्ट में कुछ भी बॉडी अर्थ नहीं रहता, इसकी खबरदारी ले। इसीलिए देखो किधर ही शॉर्ट नहीं है। कॉइल भी चेक करो,
इसको किल्ली बुश कहते हैं। ये बुश जो है, ये जो अंदर स्लिप रिंग जो है, ये स्लिप रिंग में फ्री रहना चाहिए। ये जो है इसी तरह से इसको है ना, ये बुश को, ये देखो ये बुश जो है, ये बुश पकड़ जा रहा नीचे इसको, ये जो बुश है तुम्हारा, ये बुश जो है इसको ये फ्री रहना चाहिए। ओके, ये बुश अगर जाम रहेगा तो आपका स्टार्टर ट्रबल देगा। और ये बुश जो है, ये बुश जो है, इसको पहला अच्छी तरह से फ्री करके ले, फ्री इसको ट्रिपलेट कहते हैं दोस्तों। ये सोलनाइट स्विच की जो पट्टी है, जिसे गांवटी भाषा में उसको घोड़ा कहते हैं, वो घोड़े को ये पट्टी ऑपरेट करती है। जब थोड़ा सा स्टार्टर आगे ढकले जाता, जब घोड़ा ऑपरेट होएगा तो ही स्टार्टर आगे जाएगा। तो इसको आर्मेचर को फिट करना ज़रूरी है। और दूसरी खबरदारी ये लेना ज़रूरी है कि ये घोड़ा आउट भी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, कपलिंग बिठाने के पहले आर्मेचर के अंदर की बिठाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसको फ्लैंजर कहते हैं। ये फ्लैंजर आर्मेचर में, आर्मेचर को आगे पीछे ऑपरेट करने का काम करता है। याद रखना दोस्तों, ये फ्लैंजर जो है अच्छी तरह से फिट करे। आपका जो प्रोफेशनल वायर में रहेगा उसी से ही काम करके ले, आप घर पे ना बनाए, वरना आपका स्टार्टर पूरा जल जाएगा। इसी तरह से वो ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों, इसे हाउजिंग कहते हैं। और हाउजिंग के बीच में जो ऑयलिंग की सिस्टम है, तो ये जो सफ़ेद कलर का, इसे नमदा कहते हैं। ये नमदा पूरी तरह से अंदर डालेंगे ना, उसको ऑयल भिजा के डालने के बाद बुशिंग ज़्यादा मार नहीं खाता, बुशिंग को ऑयल मिलता। तो खबरदारी ये ले कि हाउजिंग के अंदर ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। वो नमदा जो है ऑयल से गिल्ला रहना बहुत ज़रूरी है। फ्री कर चुके। इसे प्रेशर प्लेट कहते हैं दोस्तों। पहला प्रेशर प्लेट है, फिर शिम्स है, और फिर क्लच प्लेट है। ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है।
जितने भी हमने वाइशर दिखाए बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों बिठाना, ये उसके ऊपर पिनन की सेटिंग रहती है, याद रखना। अगर पिनन की सेटिंग अगर सही नहीं हुई तो वो स्टार्टर आपका स्लिप मारेगा, फिर और प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे दोस्त। इसीलिए पिनन की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टार्टर है इसकी अभी ये स्टार्टर मार्केट में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ओल्ड मॉडल स्टार्टर है। ये वायरमैन जो है ये स्टार्टर बहुत कम बनाते हैं क्योंकि इसका मटेरियल का अवेलेबल नहीं होता है, बहुत तकलीफ होता है। इसके लिए अभी लेटेस्ट की जो स्टार्टर आए ये बनाते हैं, लेकिन ये ओल्ड इज गोल्ड है, ये स्टार्टर जैसे स्टार्टर नहीं मिलते दोस्त। अगर आपको मिले आपके लेलन गाड़ी को या आपके जो जनरेटर को तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी फेल नहीं होते दो दो साल। इसके अंदर गैप रहना बहुत ज़रूरी है। अगर गैप नहीं रहेगी तो आपका स्टार्टर ख़राब हो जाएगा। कनेक्शन पट्टी बता पहला आर्थिंग में डालना है। इसमें एक मेन का पट्टी रहती है, एक आर्थिंग की रहती है, बिठाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये टच वाइशर डालना बहुत ज़रूरी है। Thank you.
तो आगे नहीं, साइड भी दिखाई देगा। फ्री है के देख, एक साइड पकड़ रखा वो फ्री हो जाएगा, स्टार्टर पूरा असेंबल होने का। वो अभी ये करेंगे ना, ये लगाने के बाद हो जाएंगे ना, बैटरी बैटरी भी घूमने के बाद। ठीक है चल। डबल नट लगा, हाँ पकड़। लॉक कर दो, इसे एक कार्बन ब्रश रहते हैं दोस्तों, चार रहते हैं, चार बिठाना जरूरी है। 24 वोल्ट का 24 वोल्ट कुछ चलेगा, 12 वोल्ट नहीं चलेगा। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे चला, थोड़ा दबा के है ना, डायरेक्ट दबा रहा हूँ। हाँ चल, अभी मेन पे चला, दबा के पकड़। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से स्टार्टर बनाया है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए जॉब के साथ। गुड बाय।